गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को एंड वेलकम टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन, मैं जहाँ पे गणेश पूजा करूँगी उस जगह को मैंने अच्छे से डेकोरेट किया है। इस डेकोरेशन का पूरा ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। गणेश जी के प्रसाद के लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या प्रसाद बनाया है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स वीडियो को वॉच कीजिए। गणपति जी के लिए पूड़ी बनेगा, उसके लिए मैदा गूंथ के रख लिए हैं पहले से, और इधर खीर के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है। सेवई की खीर बनेगी तो उसके लिए पहले सेवई को फ्राई कर लेंगे घी में। घी जैसे ही मेल्ट होगा पहले कैश्यू नट को फ्राई करके अलग निकाल के रख लें। काजू मेरी फ्राई हो चुकी है, मैं उसे अलग निकाल के रख लेती हूँ। उसी घी में मैं सेवई को भी फ्राई कर लूँगी। सेवई को, अगर आपका फ्राई किया हुआ सेवई है तो उसे फ्राई मत कीजिए, अगर नहीं है तो उसे थोड़ा सा घी में फ्राई कर लीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सेवई फ्राई होने के बाद मैं उसे दूध में ऐड कर देती हूँ। फ्राइड काजू को भी ऐड कर दें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। किशमिश भी ऐड करें, उसमें 2 तेज़पत्ता भी ऐड करें फॉर फ्लेवर। अब इसमें शुगर ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इस तरह से खीर तैयार होगी मेरी। अब गणेश जी के प्रिय लड्डू बनाएंगे हम लोग, बेसन का लड्डू। उसके लिए मैंने घी चढ़ा दिया है और उसमें मैंने एक कटोरी बेसन ऐड किया है, और उसे अभी अच्छे से भूनना है। बेसन को अच्छे से भुनने के बाद मैंने उसे प्लेट में शिफ्ट कर दिया ठंडा होने के लिए, और मैंने उसमें चिरौंजी भी ऐड किया है। जब तक बेसन ठंडा होता है तब तक पूरी बना लेते हैं। इधर मैंने लोई बना लिया है और अब पूरी तल लेते हैं, और मेरी पूरियां भी बन गई आपसे बात करते करते। बेसन के लड्डू के लिए मैंने शुगर को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि पीसा हुआ शुगर ही ऐड करना है। और मैं इधर ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर पाउडर ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स करें। जब बेसन पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आप इसमें शुगर ऐड करें, और उसके बाद एक एक करके लड्डू बनाएं। और इस तरह से मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं, प्रसाद हमारा तैयार हो गया। तो चलिए अब गणेश जी की स्थापना करते हैं। मेन डोर पे मैंने आम के पत्तों से तोरण बनाया है, देखिए